तो गाइस आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मैंने अभी एक सोशल बैकलिंक मैंने क्रिएट करा हुआ है, सोशल बुकमार्किंग बैकलिंक, और ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है, आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ इस वेबसाइट का जो है इसनी और भी जो वेबसाइट जो मैं आपको जो प्रोवाइड करूँगा उस वेबसाइट्स में जो है जो स्पैम स्कोर है वो ना के बराबर है, मतलब 1% है। DAPA कम है लेकिन गाइस इसका जो स्पैम स्कोर है खाली 1% है। और सबसे अच्छी बात यह है ये फास्ट इंडेक्सिंग करने में भी हेल्प करता है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना ताकि जो है ये साइट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि किस तरह से आप सोशल बुकमार्किंग सबमिशन आप कर सकते हो, और उसके साथ ही साथ मैं आपको जो है कुछ साइट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें जो है जिसके मदद से जो है आपकी जो वेबसाइट है वो फास्ट इंडेक्सिंग होगा। और साथ ही साथ गाइस आप सबको पता ही है ये चैनल जो है ये आपका और मेरा चैनल है SEO स्मार्ट की, जिसमें आपको जो है ब्लॉगिंग के रिलेटेड, SEO के रिलेटेड, बैकलिंक्स के रिलेटेड वीडियोस जो है आती रहेगी। तो गाइस चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और गाइस साथ ही साथ जो है एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, जिसको भी जो डाउट्स है जो भी क्वेश्चंस है आप मुझे कमेंट में बताओ या आप जो है इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मुझे DM कर सकते हो। तो गाइस जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर्स भी करूँगा। और साथ ही साथ गाइस आप सबके लिए एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ, मैंने टेलीग्राम चैनल भी ओपन करा हुआ है, तो गाइस वहाँ पर भी आप अपने जो क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो मेरे से, और सारे जो लिंक्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइस ये आप देख सकते हो मैंने एक बैकलिंक मैंने क्रिएट करा था, और इस बैकलिंक्स का DAPA और स्पैम स्कोर आप चेक कर सकते हो। DA तो थोड़ा कम है लेकिन गाइस DAPA को तो अगर साइड में रखे तो गाइस स्पैम स्कोर बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो इसका जो DA है वो 12 है और PA 30 के अराउंड है और स्पैम स्कोर खाली 1% है। लेकिन गाइस इस वेबसाइट का अभी तक कोई भी ब्लॉगर कोई भी नहीं बताता है ऐसी वेबसाइट्स के बारे में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइस इस साइट्स की मदद से जो है आप अपनी वेबसाइट को जल्दी से जल्दी इंडेक्स करा सकते हो। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे पहले आपको करना क्या, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो आप देख पा रहे होंगे आप अपना यूजर नेम हो गया, अपना जो मेल आईडी हो गया, और आपको जो पासवर्ड हो गया, और आई एम नॉट रोबोट का जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन को आपको सबमिट करना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और गाइस आप सोच रहे होंगे यार इतना कम DAPA वाली वेबसाइट पर अगर आप बैकलिंक बनाओगे तो किस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, तो गाइस इसका जो बेनिफिट एक ही है कि आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी इंडेक्सिंग होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मान लो कि आपका वेबसाइट को अगर आपकी वेबसाइट नहीं, अगर बाई चांस अगर आप मान लो कि आपने जो है कोई हाई DA वाली DAPA वाली वेबसाइट से आपने एक बैकलिंक्स आपने क्रिएट करा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं से आपने गेस्ट पोस्टिंग कराया या कहीं से आपने जो है आर्टिकल सबमिशन कराया, तो आपको करना है क्या है, आप जरूरी नहीं है आपको अपनी वेबसाइट को ही प्रमोट करना है। आप एक काम कर सकते हो जहाँ पे भी आपने जो आर्टिकल सबमिशन जो करा है उसका जो लाइव URL है उस लाइव URL को जो है आप मार्किंग कर सकते हो। और बुक मार्किंग करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका जो बैकलिंक होगा वो जल्दी से जल्दी इंडेक्स होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो गाइज ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि गाइज मैं भी अपनी जो बैकलिंक जो मैं क्रिएट करता हूँ वो बैकलिंक इंडेक्सिंग कराने के लिए ये साइट्स में यूज़ करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ, पर्सनली मैं यूज़ भी करता हूँ, और गाइज तभी मैं ये साइट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ एक चीज़ और हो सकती है कि कुछ साइटों में जो है आपको जो है स्पैम स्कोर ज़्यादा भी हो सकता है, तो गाइज वो सारी चीज़ें आपको चेकआउट करना है। अगर आप अपने वेबसाइट के लिए अगर आप काम करते हो तो गाइज ये सारी चीज़ें आप चेकआउट जरूर करना। अगर बाई चांस अगर आप अपने वेबसाइट के लिए नहीं, अगर आप बैकलिंक्स को इंडेक्स कराने के लिए अगर आप काम करते हो तो गाइज ये चेकआउट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और गाइज आप देख पा रहे होंगे लेकिन गाइज इस चीज़ में एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जब भी आप बुकमार्किंग करते हो तो गाइस जब भी आप डिस्क्रिप्शन देते हो तो डिस्क्रिप्शन जो है यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिकली जो वेबसाइट से जो उठाता है वो चीज़ आपको नहीं करना, आपको क्या करना है जो भी जो डिस्क्रिप्शन जो होना चाहिए वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, मीन्स वेबसाइट में नहीं होना चाहिए वो डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन भी ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्टिव लगे। क्योंकि गाइस इस वेबसाइट में क्या है कि गाइस आपको ट्रैफिक भी मिल जाता है और डेली क्रॉलिंग भी मिल जाता है, तो ऑटोमेटिकली अगर यूज़र भी आता है अगर उसको अगर आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा लगेगा तभी जो है आपकी जो URL है उस पर वो विज़िट करेगा। अगर उसको डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं लगता किसी भी यूज़र को तो वो विज़िट नहीं करेगा, जिससे कि आपका ट्रैफिक इंक्रीज नहीं होगा। और उसके बाद जो है एक चीज़ का हमेशा याद रखना, जो भी आप URL दोगे वो बिल्कुल करेक्ट URL होना चाहिए, ताकि जो है अभी खुल रहा है तो बाद में भी खुलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है जब भी हम बुकमार्किंग करते हैं
तो करने के समय तो URL ओपन हो जाता है। अगर हम अगर करने के मिनिमम 10-15 डेज के बाद अगर बुकमार्किंग चेक करते हैं तो URL ओपन नहीं होता, वो ब्लॉक हो जाता है। तो गाइस वो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे जो है कुछ डिस्क्रिप्शन में बना रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे जो मेरा जो ब्लॉग स्पॉट वाला जो URL है उसको ही मैं प्रमोट करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, आपको भी ये चीज़ आपको जो है फॉलो करना। तो गाइस फाइनली मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वो रेडी हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। और गाइस एक इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप सोशल बुकमार्किंग सबमिशन आप जब भी करोगे या आप बुकमार्किंग सबमिशन करोगे तो आपको कोशिश करना है जो आपको जो टाइटल है उसी के रिलेटेड आपका डिस्क्रिप्शन और टैग्स होना चाहिए, जिसके वजह से जो है आपकी जो सबमिशन होगा वो जल्दी जल्दी इंडेक्स होने में भी हेल्प करेगा और गाइस यूजर्स को भी बढ़ाएगा, मीन्स ट्रैफिक को भी इंक्रीज करेगा। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे लाइव URL मेरे पास आ चुका है और लाइव URL को सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ ये डो फॉलो या नो फॉलो। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये कहीं पे भी जो है नो फॉलो नहीं लिखा हुआ है, मीन्स यहाँ पे जो है 100% आपको डो फॉलो बैकलिंक्स आपको मिला है। और उसके बाद जब भी आप बैकलिंक्स आप क्रिएट करते हो सबसे पहले तो ये चीज़ आप चेक जरूर कर लेना कि ये नो फॉलो है डू फॉलो है। उसके बाद जो है जो भी आपका जो बैकलिंक जो आपने जो क्रिएट करा है उसको एक बार क्रॉस चेक करना कि ये ओपन हो रहा है नहीं हो रहा। तो गाइस आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो बैकलिंक मैंने जो क्रिएट करा है वो ओपन भी हो रहा है, जो ब्लॉगस्पॉट का जो URL मैंने जो सबमिट करा है वो मेरा ओपन भी हो रहा है। तो गाइस उसके साथ में जो है इसी तरह जो है आपको जो है 100 साइट्स का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे मेरे पास 100 ऐसी साइट्स है जिसमें जो है आपका DAP है तो नॉर्मल है, लेकिन गाइस ये जो वेबसाइट है आपको हेल्प करेगा आपकी जो नया वेबसाइट नया पोस्ट को बूस्ट अप करने के लिए। तो गाइस ये साइट्स आपको मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपको अगर साइट्स चाहिए तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ ताकि जो है मैं आपको जो है गूगल ड्राइव का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूं। और गाइस इसके साथ में जो है चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस मैंने बना रखा है कि आप ट्रैफिक को कैसे जनरेट कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है आपको वीडियो में आपको मिल जाएगा, मीन्स चैनल के ऊपर आप विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो गाइस एक लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।